फोन दे अंदर, अंदर का पूरा वीडियो बनाना। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल आतंकियों के सफाए में जुट गए हैं। चुन चुन कर इन आतताइयों को 72 हूरों के पास पहुंचाया जा रहा है। आतंकियों को न सिर्फ मारा जा रहा है बल्कि उन्हें बिलों से बाहर निकालकर भी जहन्नुम की यात्रा करवाई जा रही है। उन्हें सुरक्षाकर्मी बता रहे हैं कि हाथ में बंदूक उठाने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ मौत है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में शनिवार और रविवार को 2 मुठभेड़ हुई। इनमें 6 आतंकियों को 72 हूरों के पास पहुंचा दिया गया, जबकि इन मुठभेड़ों में 2 भारतीय जवान भी वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये कि इन सपोलों को कुछ स्थानीय गद्दार ही पनाह दे रहे हैं। आस्तीन के साथ ही भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले इन आतंकियों को न सिर्फ छिपा रहे हैं बल्कि उनके लिए घरों में बंकर भी तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। भारतीय सुरक्षा बलों को जब इसकी भनक लगी तो वे एक घर में पहुंचे और वहां का हाल देखकर वे भी दंग रह गए। बाहर से लकड़ी की अलमारी और कबर्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर आतंकियों के छिपने के लिए बाकायदा बंकर बनाकर रखा गया है ताकि वे सुरक्षा बलों के राडार से दूर रह सके। सेना ने इस बंकर का खुलासा किया और एक वीडियो बनाकर इसे जारी भी किया। ये फोन दे इसको अंदर, फोन दे अंदर, अंदर का पूरा वीडियो बनाना। सर दे दो। पूरा है। पूरा चारों। हालांकि इस बंकर में छिपकर भी आतंकी बच नहीं सके और उन्हें सुरक्षा बलों ने जहन्नुम भेज दिया। अभी तक मोदरगाम में 2 और चिन्नी गांव में 4 आतंकियों को खत्म किया जा चुका है और बड़े पैमाने पर आतंकियों का सफाया जारी है। चिन्नी गांव में जो 4 आतंकी मारे गए उनके नाम यावर बशीर डार, जाहिद अहमद डार, तहवीद अहमद और शकील अहमद वानी हैं। वहीं मोदरगाम में जो आतंकी ढेर हुए हैं उनके पहचान फैजल और आदिल के तौर पर हुई है, लेकिन इनकी ठुकाई के साथ ही सुरक्षाकर्मी अब लोकल गद्दारों को भी बिलों से बाहर निकालने में जुट गई है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को पनाह देने और उनकी मदद करने वालों की भूमिका की जांच शुरू कर दी है ताकि इन आस्तीन के सांपों के फनों को कुचल कर इन्हें इनकी सही जगह पर भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।